ओके, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इवोल्यूशन में आगे जो कुछ एविडेंसेस दिए गए थे आपके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, उनकी बात। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था होमोलॉजी और एनालॉगस ऑर्गन जो थे उनसे एविडेंसेस। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे कि जो है किस तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात किया था हमने, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बाद में अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है। वेस्टिजियल ऑर्गन हमने डिस्कस कर लिया, वेस्टिजियल ऑर्गन के अलावा अब बोलोगे कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक किस तरीके से ह्यूमन के एवोल्यूशन या सॉरी एनिमल के एवोल्यूशन को दिखा रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जो ड्यूअल कैरेक्टर को शो कर रहे थे, यानी कि उनके पास दो फाइलम के कैरेक्टर्स थे या दो ग्रुप्स के कैरेक्टर्स थे। तो हम बोल सकते थे कि इनका ओरिजिन, इनके एंसेस्टर्स जो होंगे वो पुराने इंडिविजुअल ही रहे होंगे, तभी इनके पास दो दो तरीके के कैरेक्टर्स हैं। जैसे युगलीना हमने लिया, युगलीना किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, तो आप बोलोगे एनिमल्स और किसके बीच की है, तो आप बोलोगे प्लांट्स के सेल्स के बीच। फिर आप बोलोगे प्रोटीरो स्पॉन्जिया, स्पॉन्ज और प्रोटोजोआ के बीच की है, पोरीफेरा और स्पॉन्ज के बीच की है, पोरीफेरा और प्रोटोजोआ के बीच की है। ऐसे नियोप्लाइना था आपका, नियोप्लाइना जो था वो आपका एनिलिडा और मोलस्का के बीच का था। पेरीपेटस था आपका मोलस्का और एनिलिडा के बीच का, आर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे आपके जो कनेक्टिंग लिंक में हम पढ़ रहे थे। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है एटाविज्म। तो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं जो भी था आपका, इसको लिख लेते हैं क्या नाम है इसका आपका, एविडेंसेस फ्रॉम कहां से, तो आप लोगे एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग। तो evidences from connecting link में हमने बता दिया आपको, सब याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम इसके बाद में बात करेंगे atavism। atavism देखिए क्या होता है। atavism का मतलब है कि आपका reappearance हो जाना किसका, आप बोलोगे ऑफ certain ancestors, ancestral characters, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आप देखेंगे तो यहां पर आप बोलोगे मूविंग ऑफ ईयरपिन, ठीक है। ईयरपिन्ना का मूवमेंट है ना कुछ पर्सन में, क्योंकि ऑरिकुलर मसल्स जो थी वो तो रूडिमेंट्री हो गई, तो मूव हमारे ईयर पन्ना मूव तो होते नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल होते हैं जो मूव करा लेते हैं, तो उसका मतलब उनमें ऑरिकुलर मसल्स काम कर रही होंगी। इसके अलावा आप बोलोगे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कैनाइन टीथ जो होता है वो बड़ा हो जाता है, क्या होता है कैनाइन टीथ बड़ा हो जाता है, वेल डेवलप हो जाता है। फिर दूसरा देखिए आप, शॉर्ट टेल, शॉर्ट टेल है ना, कुछ जो बेबी जन्म लेते हैं ना उनमें आपको टेल भी दिख जाती है थोड़ी छोटी छोटी, तो ये भी पहले टेल हुई होगी उनके एंसेस्टर्स में। फिर आप बोलोगे डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा निपल्स, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर जो थे वो एंसेस्टर्स में पाए जाते थे, हम लोगों में नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ इंडिविजुअल्स में इनका फिर से रीअपीयरेंस हुआ, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एटाविज्म। अब इसके बाद में बात आती है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में आप देखोगे यहाँ पर कहानी क्या है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में जो है यहाँ पर कई सारी थ्योरी दी गई, उसी में से एक थ्योरी थी रिकैपिटुलेशन थ्योरी। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, या बायोजेनेटिक लॉ के बारे में बताया गया। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी जो थी उसमें बोला गया कि मूलर थे एक, उन्होंने बताया कि ऑन्टोजिनी रिपीट्स फॉलोजिनी,
ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन किया था हक्सले ने। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एंसेस्टर्स की जो हिस्ट्री होती है उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो है वो रिपीट किया जाता है, तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी होगी। अब रिकैपिटुलेशन थ्योरी के बाद में बेटा यहाँ पर आप बोलोगे आपका एक और थ्योरी थी बायोजेनेटिक लॉ। क्या था? बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ का मतलब क्या हुआ देखिए आप, तो बायोजेनेटिक लॉ में आप देखोगे यहां पर बायोजेनेटिक लॉ में दो कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं आपके जनरलाइज कैरेक्टर, कैसे होते हैं जनरलाइज्ड कैरेक्टर, और दूसरे होते हैं स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर। तो वॉन बियर जो थे उन्होंने इसको दिया था, एंटोनी वॉन बियर। तो वॉन बियर ने क्या बताया था, वॉन बियर ने बताया कि जनरलाइज कैरेक्टर्स जो हैं वो सब वर्टिब्रेट्स में होंगे, सब में स्टार्टिंग में वैसे ही होंगे, चाहे आप जो वर्टिब्रेट उठा के देखिए तो उसमें जनरलाइज कैरेक्टर सेम होंगे, जैसे स्पाइनल कॉर्ड का बनना, ब्रेन का बनना, हार्ट का बनना, वो सेम लगभग प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद अलग अलग ग्रुप में कुछ और स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द स्पेशलाइज कैरेक्टर। जैसे बर्ड्स में विंग्स का बनना और मैमल में आपका हेयर्स का बनना क्या कहलाएगा, स्पेशलाइज कैरेक्टर बनाएगा। तो बायोजेनेटिक लॉ जो वॉन बियर का था वो वही बोल रहा था कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जनरलाइज फीचर्स जो थे वो कॉमनली सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट थे, एंड आप बात करोगे जो स्पेशलाइज फीचर्स थे वो आप बोलोगे जो है जो हेयर लाइक जैसे हेयर मेमल्स में होते हैं और आपका विंग्स बर्ड्स में होते, तो वो सारे आपके स्पेशलाइज कैरेक्टर हो, ठीक है। ये कहानी थी आपकी जो है अर्नेस्ट हीकल ने बताया। अब इसके बाद में बोला गया यहाँ पर कि जो है आपका क्या नाम है इसका बायोजेनेटिक लॉ के बाद में, अब यहाँ पर बोला गया कि जो है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस उनके रिस्पेक्ट में क्या बोला गया, तो वहां देखते हैं। तो आप बोलोगे बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस, तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में एक टाइम पे आप बोलोगे जो आपकी लैंड मास थी वो सिंगल लैंड मास थी, सिंगल लैंड मास की फॉर्म में था ये पूरा, और इसको हम बोले थे पैंजिया। ये बात थी कार्बोनिफेरस पीरियड की, इस टाइम का था कार्बोनिफेरस पीरियड की, लगभग 350 मिलियन ईयर्स ऐसी पहले की बात थी। तो पूरी जो अर्थ थी बेटा अर्थ एक में थी, पूरा एक पजल टाइप में पूरा बंद था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, ये ब्रोक ऑफ हो गई, टूट गई किसी वजह से, और टूटने की वजह से इसके पार्ट्स बन गए सारे, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स बन गए, और बैरियर का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन हो गया, बैरियर का फॉर्मेशन, ठीक है, बैरियर का फॉर्मेशन। तो यहां पर आप बोलोगे जैसे ऑस्ट्रेलिया बन गया, अमेरिका बन गया, एशिया बन गया, है ना, यूरोप बन गया, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए, अगर इनको सबको हम जोड़ देते हैं आपस में तो फिर से पैंजिया बन जाएगा। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस से हमको यही समझ में आया कि भाई कभी ना कभी पूरा जो लैंड मास था वो एक था, सब एक साथ में रह रहे थे, उन्हीं से कुछ ऐसा हुआ कि डिविजन हो गया, अलग अलग हो गए पार्ट्स उसके, और फिर वहां पर बैरियर का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में, इसके बाद में आप बात करोगे एडेप्टिव रेडिएशन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, तो उसमें आप बोलोगे केमिकली अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सेल के अंदर, सब में क्या क्या है, तो उसको निकालेंगे तो लगभग पाएंगे सब में केमिकल्स का कंपोजिशन सेम तरीके का ही है, तो वो भी हो गया। दूसरा फिर आप बोलोगे एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब सेल के बेसिस पे अगर आप देखोगे, उससे अगर देखेंगे सेल अलग अलग तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम टाइप की थी। टैक्सोनॉमिकल एविडेंसेस होते हैं और जेनेटिक्स से भी एविडेंसेस बहुत सारे मिले।
तो ये कहानी हो गई आपके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। अब आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हम लैमार्किज्म को पढ़ेंगे। देखते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के बारे में देखिए, यहां पर आप बोलोगे पहला हेडिंग है लैमार्किज्म, जो था वो ये कॉन्सेप्ट जो था, इट इज प्रपोज्ड बाय जीन बैब डीलेमा, ठीक है। तो इन्होंने, इनका टाइम रहा 1744 से आप बोलोगे 1829 तक, तो 1744 से 1829 तक ये जिंदा रहे, और 1809 में इन्होंने एक बुक लिखी। उस समय इन्होंने बुक लिखा और उसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजी। कौन सी युग थी? फिलोसफिक जूलॉजी। क्या 1809 में इसको लिखो, फिलोसफिक जूलॉजी। तो ये बात हो गई, इनके बुक का नाम हो गया। ध्यान रखिएगा आप बुक सबकी जिसकी जो है। तीसरा देखिए फिर आप, तो यहाँ बोलोगे इन्होंने टर्म भी बहुत सारे कॉइन किए, जैसे एक टर्म था आपका इनवर्टिब्रेट्स और एनेलिडा। तो इनवर्टिब्रेट्स और एनेलिडा टर्म किसने कॉइन किया? तो आप बोलोगे वो कॉइन किया था किसने? इन्होंने ही, लैमार्क, ठीक है। अब इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला, इनके पोस्टुलेट्स क्या थे इस थ्योरी के? तो आप बोलोगे इन्होंने बोला, पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि जो इंडिविजुअल ग्रो करते हैं वो इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से ग्रो करते हैं। किस वजह से? इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से ग्रो करते हैं। दूसरा देखिए, इसके बाद में आप बोलोगे तो ये क्या दिखाएंगे? तो आप बोलोगे सर्वाइवल, है ना, क्या दिखाएंगे? सर्वाइवल, यानी कि जो नए ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होंगे अगर रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, तो सरवाइव करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट था, ठीक है। फिर देखिए इन्होंने क्या बोला, तीसरी बात इन्होंने बोली कि यूज एंड, जो कि बहुत मशहूर हुआ इनकी ये बात, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने बोला कि जो ज्यादा यूज करोगे वो ज्यादा बढ़ेगा, जो कम यूज करोगे वो नहीं बढ़ेगा। फिर उन्होंने बोला इनहेरिटेंस ऑफ acquired traits, inheritance of acquired traits, ठीक है, ये बात बोली। तो inheritance of acquired traits, ये ठीक है। अब देखिए आप, तो इतनी बातें इन्होंने बोली। तो जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने बोला कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं वो उड़ तो पाती नहीं है। अब उड़ नहीं पाती हैं तो आप बोलोगे कि उनमें विंग्स डेवलप नहीं थे सही से। क्यों डेवलप नहीं थे? क्योंकि उस समय विंग्स का वो यूज नहीं कर रहे थे, है ना, बहुत टाइम से उनके एंसेस्टर, तो वो धीरे धीरे रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर बन गए, विस्टिजियल ऑर्गन बन गए। ऐसे लिम्बलेस स्नेक, तो इसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया कि लिम्बलेस जो स्नेक्स हैं वो बिल में घुसते समय, झाड़ियों में चलते समय अपने पैरों को अंदर की तरफ मूव कर लेते थे, और अंदर की तरफ जो मूव करते थे तो वो आसानी से जो है मूवमेंट कर पाते थे, तो इस वजह से वो धीरे धीरे जो आपके लिम्स थे वो गायब हो गए स्नेक से। फिर उन्होंने बोला कि जो आपका रिडक्शन ऑफ हॉर्स की डिजिट का रिडक्शन है, कम यूज कर रहा था तो हॉर्स की डिजिट्स जो थी वो रिड्यूस कर गई। ऐसे ही केव ड्वेलर जो थे उनमें देखने की क्षमता कम थी, जो गुफाओं में रह रहे थे, क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में रहे, उजाला कभी देखा नहीं, तो उनकी आईज भी सही से काम नहीं कर रही थी। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई। दो एग्जांपल इनके बहुत मशहूर है, फ्लाइटलेस बर्ड्स का और लिम्बलेस स्नेक का, ठीक है।
अब क्या हुआ, न्यू लैमार्किज्म आया, तो इनकी बातों को और अच्छे से बताने के लिए इनके कुछ सपोर्टर थे, उन्होंने कहा नहीं थ्योरी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, तो उसको बोला गया न्यू लैमार्किज्म। न्यू लैमार्किज्म में देखिए क्या बोला गया, तो न्यू लैमार्किज्म जो था उसमें बोला गया कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस दिए गए जो है आपके लैमार्किज्म के सपोर्ट में, तो इन्होंने बोला जो है न्यू लैमार्किज्म ने लैमार्किज्म को चेंज करके न्यू लैमार्किज्म बन गया। तो यहां पर बोला कि जो आपके इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो है वो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा, है ना, इन्वायरमेंट क्या करेगा, डज इफेक्ट्स द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी को अफेक्ट कौन करता है, तो आप बोलोगे इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, ये हो गया। दूसरा देखिए, इसके बाद में आप बोलोगे सम वेरिएशंस ठीक है पासेस टू यंग वंस। तो इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे वेरिएशंस भी होते हैं जो यंग वन को पास हो जाते हैं, ठीक है, कुछ वेरिएशंस होते हैं जो यंग वन को पास होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब इस लैमार्किज्म को क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसाइज किस लेवल पे किया गया, देखिए क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसाइज क्यों किया गया, देखिए लैमार्किज्म को। यहां पर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अगस्त वीजमैन। तो अगस्त वीजमैन ने देखिए क्या किया, अगस्त वीजमैन ने जो माइस था, एक माइस था ऐसे, तो माइस जो था, तो माइस में इन्होंने क्या किया, माइस की जो टेल थी वो जो है कट करते रहे 22 जनरेशन तक, टेल कट करते रहे। दूसरा आया जनरेशन उसमें कट गया, तीसरा आया उसमें कट गया, ऐसे करके करते 22 जनरेशन तक टेल को कट करते रहे। अब 22 जनरेशन जब टेल कट हो गई तो इन्होंने देखा फिर भी वहां पर जो यंग वंस आ रहे थे उनके पास टेल प्रेजेंट थी, यंग वन में क्या था, टेल प्रेजेंट थी। ठीक है, ये कहानी। तो यहां पर इनको इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर ऐसा होता तो टेल तो चली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, टेल तो आ रही थी। तो इन्होंने बोला कि भाई ये थ्योरी गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ट्रेट्स वही पास होते हैं जो जीन्स पे होते हैं। टेल वाला ये तो भाई अगर फिनोटिपिकली हटा दिया फिर भी जीन्स तो है ना पूरे बाकी सेल्स में। तो ये अगस्त वीजमैन जो थे इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो आप बोल रहे थे कि यूज एंड डिसयूज का ऑर्गन तो है ही नहीं, ऑर्गन तो कहां से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है इनकी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में ये किया गया आपका, है ना, तो ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसे बोलते हैं कि बोरिंग ऑफ ईयर पिन्ना, अगर ईयर पिन्ना की बोरिंग करते हैं ना इंडियन कल्चर में, तो अगर ईयर पिन्ना को बोर किया गया तो फिर जो उनके बच्चे होते हैं उनमें भी जो है आने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई इन्वायरमेंट में एक्वायर्ड मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इनहेरिटेड। एक्वायर्ड जो जो आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या था, जो एक्वायर्ड मॉडिफिकेशन हुए हैं ड्यूरिंग द लाइफ उनको इनहेरिट किया जाता था ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो ये तो बात सरासर गलत थी एकदम, है ना, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। इस तरीके से ये कहानी बिल्कुल इनकी बेकार हो गई। अब दूसरा थ्योरी आया इसके बाद में, डार्विन 100 साल बाद लगभग, तो एक थ्योरी और दिया गया, उसका नाम दिया गया डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म में देखो क्या बोला गया, या इसी को बोला गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोला गया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म में क्या हुआ देखिए, तो आप बोलोगे 1831, तो जो वो थे डार्विन थे उन्होंने क्या पाया, गॉट एन अपॉर्चुनिटी मिली उनको किससे, टू ट्रेवल ऑन HMS बीगल।
क्या एचएमएस बीगल एक सिप था वो मिला उनको और उसको लेके निकल पड़े दुनिया की सैर करने और पहुंच गए ये एक आइलैंड था उसका नाम था गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। ये गैलापागोस आइलैंड जो था इसका नाम पड़ा बड़े बड़े जो वहां पर टर्टल थे कछुए थे तो बड़े बड़े टर्टल की वजह से इसका नाम पड़ा गैलापागोस आइलैंड। उनकी एज अगर देखेंगे तो 252 लगभग 300 ईयर्स के आसपास थी। बहुत पुराने पुराने कछुए थे बड़े बड़े करीब करीब 300 केजी के आसपास के। इनको इन्होंने देखा और इसी के नाम पर रख दिया गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, अब इनकी एक बुक आई डार्विन की, उसमें सारी बातें बताएगी। बुक का नाम क्या था तो आप बोलोगे ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये एक बुक इन्होंने लॉन्च की जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में यही लिख के मिलेगा आपको ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इस तरीके की एक बुक इन्होंने लिखी 1859 में जब सब घूम टहल लिए तब। अब थ्योरीज जो थी इन्होंने इस बुक में क्या बताई, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी वो क्या बताई थी। पहली बात इन्होंने बोला कि ओवर पॉपुलेशन, क्या बोला, ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या था। इन्होंने कहा कि हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जिनके पास है उनकी लाइफ स्पैन तो कम होती है लेकिन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है जिससे वो अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं। तो हाई रेट रिप्रोडक्शन था यहाँ पर, लेकिन आप बोलोगे अगर लाइफ स्पैन की बात तो वो कम था। ठीक है, उसके बाद में बोला इन्होंने, दूसरी बात बोली इन्होंने कि लिमिटेड फूड एंड रिसोर्सेस। इन्होंने बोला ठीक है भाई पॉपुलेशन तो जितनी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए स्पेस और फूड भी तो चाहिए। तो लिमिटेड फूड और स्पेस वहां पर दिखा, ओवर पॉपुलेशन हो सकती थी लेकिन फूड और स्पेस वो लिमिटेड था, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो तो लिमिटेड है एक टाइम पे। अब इन्होंने बोला कि अब इस वजह से स्ट्रगल बढ़ेगा, तो आप बोलोगे यहां पर क्या होगा नंबर तीन पे स्ट्रगल, किस बात के लिए स्ट्रगल होगा, तो आप बोलोगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होगा यहां पर देखिए, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में बेटा हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे यहां पर तीन तरीके का हो रहा था, इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा आप बोलोगे इंटर स्पेसिफिक, फिर आप बोलोगे इन्वायरमेंटल। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इन्वायरमेंटल। इंट्रा स्पेसिफिक जो था वो सेम स्पीसीज के बीच में था। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीसीज के बीच में था, अलग अलग एनिमल आपस में झगड़ रहे थे। और इन्वायरमेंटल तो आपको पता है कोई कैटेस्ट्रोफिक इवेंट हो जाए, कोई दैवीय आपदा हो जाए तो उसको बोला गया कैटेस्ट्रोफिक इवेंट। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा था, आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो रहा था, अपने बचने के लिए एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, इन सब चीजों के लिए। फिर चौथे में इन्होंने बोला कि वेरिएशंस, चौथे में क्या बोला इन्होंने, वेरिएशन में इन्होंने क्या बोला कि यूजफुल स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो होते हैं, क्या बोला इन्होंने, यूजफुल स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो होते हैं वो पास होते हैं, क्या होते हैं, पास होते हैं कहां, तो आप बोलोगे नेक्स्ट जनरेशन। तो जो यूजफुल चेंजेस स्ट्रॉन्ग होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं, और जो
यूजफुल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वाइल अदर्स कौन से आप बोलोगे जो यूजफुल नहीं है वो डिसअपीयर। इनका कहने का मतलब ये था जो यूजफुल चीजें हैं वो जनरेशन में आगे पास कर जाएंगी और जो हार्मफुल होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये वेरिएशन की बात बोली इन्होंने। अब इसके बाद बोला गया कि नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, पांचवा क्या था आप बोलोगे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में बेटा आप बोलोगे यहां पर क्या था, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में आपको देखने को मिलेगा नेचुरल सिलेक्शन। तो इन्होंने बोला कि प्रकृति एक छन्ने की तरह है, जो छन्ने में नीचे छन के चले जाते हैं वो पास हो जाते हैं, ऊपर जो रहता है कूड़ा कचड़ा वो बाहर फेंक दिया जाता है, जैसे चाय बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर यही बात बोली गई कि नेचर भी एक छन्ने की तरीके से है, इसमें वही लोग जिंदा रहते हैं जो फिट होते हैं, और जो जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है और वो एनवायरनमेंट से गायब हो जाते हैं या सिस्टम से निकल जाते हैं। तो ये जो आपका नेचुरल सिलेक्शन था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये आइडिया था किसका, हर्बर्ट स्पेंसर का। ये आइडिया किसका था, ये था हर्बर्ट स्पेंसर का, इसका था हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया था, ये किसका आइडिया था, हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया था, ठीक है। अब इसके बाद में आप बोलोगे कि फेवरेबल चेंजेस जो होंगे वो तो रहेंगे पॉपुलेशन में, लेकिन अनफिट ऑर्गेनिज्म होंगे वो मदद जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। अब इसके बाद में बात आई इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बाद में नेक्स्ट इन्होंने बोला कि यहां पर क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ किसका, तो आप बोलोगे यूजफुल वेरिएशन। Inheritance of useful variations. तो इनके केस में आप बोलोगे inheritance of useful variations में क्या हुआ? तो आप देखिए यहाँ पर जो fit organism थे, fittest organism थे, उनकी तो बढ़िया कहानी थी, और उनके जो genes थे, या genes तो बोला नहीं इन्होंने, variations बोले, तो variations जो होते थे वो transfer हो रहे थे। Variations क्या होते हैं? Transfer variation. ट्रांसफर हो रहे थे यूजफुल वाले, और हार्मफुल वाले नहीं पास हो रहे थे, यूजफुल वाले जो चेंजेस थे उन्हीं को वेरिएशन नाम दिया इन्होंने। तो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म के जो वेरिएशंस थे यूजफुल वो ट्रांसफर हो रहे थे किसमें, अब बोलोगे नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में ये इनकी कहानी देखने को मिली। अब देखिए इसके बाद में कहानी क्या थी, आप बोलोगे नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो नई स्पीसीज का बनना भी यहां पर देखने को मिला। तो एक थे अल्फ्रेड वेलेस। तो अल्फ्रेड वेलेस ने क्या बोला, इन्होंने एक काम किया, एक द्वीप था आर्कियोपेलिगो, ये उसी टाइम पे काम किए, ये इवन पहले काम करके बैठे हुए थे, डार्विन बाद में बताया। तो इन्होंने वर्क किया आर्कियोपेलिगो पे, और उन्होंने बोला कि नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू नई नई हैबिटेट में, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शंस को क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है, क्रिटिसाइज में क्या किया गया देखिए। तो इसमें बोला गया कि भाई जो आप थ्योरी दिए हो, क्रिटिसिज्म देखिए क्या था इनका। तो इन्होंने बोला कि जो आप थ्योरी दिए हो नेचुरल सिलेक्शन की, वो जो है क्या क्या चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो पहला पॉइंट जो था इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन, इन्होंने बोला कि बड़े बड़े वेरिएशंस तो आपको दिख गए, ठीक बात है, लेकिन छोटे छोटे जो वेरिएशन है उनका इनहेरिटेंस वो तो बताया नहीं आप। तो इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशंस ये बात नहीं बताई उन्होंने, तो ये एक पॉइंट निकाल लिया। दूसरा लोगों ने क्या निकाला कि ओवर प्रोडक्शन की बात तो ओवर स्पेशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ऑफ सम ऑर्गन्स,
कुछ ऑर्गन जो थे एनिमल्स में उनका ओवर स्पेशलाइजेशन था, जैसे एलिफेंट का टस्क, एलिफेंट का टस्क तो उसके तो कहीं बात नहीं किया इन्होंने, कोई बात ही नहीं की। फिर आप देखिए तीसरा, विस्टिजियल ऑर्गन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, ये भी कहानी रह गई इनके विस्टिजियल ऑर्गन वाली भी। इसके बाद में इन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बताया लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बताया, आया कहां से आदमी, ये भी कहानी इनकी गड़बड़ हो गई। फिर आप बोलोगे इसके बाद में कॉन्टिन्यूस वेरिएशन के बारे में तो बताया इन्होंने लेकिन डिसकॉन्टिन्यूस के बारे में कौन बताएगा, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन तो उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इस तरीके से इनको क्रिटिसाइज किया गया अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में बेटा हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हेडिंग डालेंगे हम आर्टिफिशियल, क्या है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जब आप आओगे तो आप बोलोगे यहां पर प्लांट और एनिमल्स के केस में होता है, कैसे होगा देखते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स में आप बोलोगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन देखने को मिले, तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हुए, उन मॉडिफिकेशन की वजह से क्या हुआ, मोर डिजायर्ड जो कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर वो प्रेजेंट थे, ठीक है, नए इंडिविजुअल में, ठीक है। तो मोर डिजायरेबल जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया और जो मोर डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे वो प्रेजेंट थे, और ये बार बार रिपीट कर रहे थे, तो आप लिखोगे रिपीटेड फॉर मैनी जनरेशन, मैनी जनरेशन एंड बिकम न्यू ब्रीड। तो नई नई ब्रीड्स बनी और जो है इस तरीके से हमने देखा कि वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किए गए थे उसमें। अब इसे इसमें एग्जांपल आप देख लो, डॉग की जो है वैरायटीज ब्रीड्स वगैरह होंगी, डॉग हुआ, हॉर्स हुआ, है ना, पिग हुआ, ये सब कैसे हैं, बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि नहीं, पिजन हुए, पोल्ट्री हुआ, तो ये सब कैसे हैं आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड है, आर्टिफिशियल सिलेक्टेड, ठीक है। ऐसे एक आता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, तो ब्रेसिका ओलेरेसिया जो थी वो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वगैरह उसी फैमिली का, इससे कैबेज भी बना, ब्रोकली भी बनी, कॉलीफ्लावर भी बना, लेकिन सब बने किससे, ब्रेसिका ओलेरेसिया से ही बने। कैबेज बना जो टर्मिनल बर्ड से बना, फिर आप बोलोगे ब्रोकाई जो बना स्टेम एंड फ्लावर से बना, कॉलीफ्लावर जो बना वो फ्लावर्स के क्लस्टर से बना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और इस तरीके से आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या इसी को बोलते हैं न्यू डार्विनिज्म। तो इनकी थ्योरी को, डार्विनिज्म की थ्योरी को और सुधारा गया, कुछ इनके सपोर्टर्स थे उन्होंने न्यू डार्विनिज्म बना दिया। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या बोला गया सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या बोला गया न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। अब इसमें देखिए बेटा, जो कुछ वर्कर्स थे उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, जो काम कमियां थी उनको थोड़ा सुधार के बताया इन्होंने। तो इसमें आपके डोव, जान, स्काई ये थे, फिशर थे, फिशर के अलावा हेल्डन थे, हेल्डन के अलावा आप बोलोगे सिविल राइट थे, ठीक है, सिविल राइट के अलावा आप बोलोगे और कौन था, तो आप बोलोगे अर्नेस्ट मेयर और स्टेबिन,
ठीक है। तो ये इतने लोग थे जो न्यू डार्विनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पहला इन्होंने बात बोली, अच्छा एक चीज और, स्टेबिन की एक बुक थी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, स्टेबिन ने एक बुक लिखी थी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन लिखा था इन्होंने। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया, पहला हेडिंग क्या था, जेनेटिक वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में किस तरीके से जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं उनकी बात की गई। जैसे यहां पर आप बोलोगे जो है मेन सोर्स जेनेटिक वेरिएशन का क्या होगा, म्यूटेशन। मेन सोर्स ऑफ क्या होगा भाई, म्यूटेशन, सिंपल सी बात है, जेनेटिक वेरिएशन का म्यूटेशन होगा, जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आएंगे एकदम से तो म्यूटेशन हुआ, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी। म्यूटेशन आपको पता है बहुत तरीके के होते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन, स्ट्रक्चरल चेंजेस, जी जो है जीन म्यूटेशन, जीन लेवल पे, जेनेटिक लेवल पर, अलग अलग बहुत सारी चीजें। अब बात आती है कि पॉपुलेशन में कोई जीन पूल क्या होता है, तो जीन पूल क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स। एक पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलील्स और जीन्स जितने पाए जाते हैं उनका टोटल कर दिया जाए तो जो प्रेजेंट होते हैं पॉपुलेशन में उसको हम बोलते हैं जीन पूल। क्या बोलते हैं, जीन पूल। अब उस जीन पूल में एडिशन हो सकता है जीन्स का या डिलीशन हो जाता है, यानी कि कोई नया जीन आके उसमें इन्वॉल्व कर गया या निकल गया कोई, तो उसकी वजह से म्यूटेशन हुआ, यानी कि म्यूटेशन हुआ तो इवोल्यूशन हो गया, नए नए स्पीसीज बनने लगी। ऐसे दूसरा आप बात करोगे तो वो है जीन रिकॉम्बिनेशन। और फिर आप बोलोगे जीन रिकॉम्बिनेशन के बाद में आप बोलोगे जीन माइग्रेशन। ठीक है, जीन माइग्रेशन, क्लियर। तो ये कहानी आपको देखने को मिली है, ठीक है, डन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन क्या है, जीन फ्लो हम बोलते हैं उसको, ठीक है। जीन माइग्रेशन यानी कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से निकल के दूसरी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल चले जाए, वहां पर जीन जेनेटिक जीन फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दें, ठीक है। इसके बाद आया हेरिडिटी, तीसरा जो पार्ट था चौथा, उसको बोला गया हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब यही था कि पास हो रहे थे जीन्स एक से दूसरे में, ठीक है, इसको हेरिडिटी बोला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आया नेक्स्ट आपका नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। तो देखते हैं हम लोग नेचुरल सिलेक्शन की बात, पेज चलो कोई बात नहीं। चलो तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद में आगे, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद में, वही चैप्टर था नेचुरल सिलेक्शन, नेक्स्ट हमारा हेडिंग था वो नेचुरल सिलेक्शन। देखिए क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन में आप बोलोगे, देखिए क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन, चार नंबर पे जो नेक्स्ट हेडिंग थी, आप बोलोगे कि यहाँ पर जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या है आपका, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंशियल सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप। अलग अलग फिनोटाइप के इंडिविजुअल्स का जो है डिफरेंशियल मतलब रिप्रोडक्शन होना बार बार,
और डिफरेंशियल सर्वाइवल, और उसमें अच्छे से वो बचे रहें, सर्वाइव करें, इस बात को हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल सिलेक्शन में। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो जो है फिनोटाइप पे एक्ट करता है ऑर्गेनिज्म पे, और इनडायरेक्टली आप देखोगे तो जीनोटाइप पर भी एक्ट करता है। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन अगर नेचुरली फिट है तो इसका मतलब जेनेटिकली फिट है, और जेनेटिकली फिट है यानी कि वो क्या है आपका फिनोटिपिकली फिट है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब आप देखिए टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स में आप देखोगे यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, पहला दिखिए आप, तो पहला आपका है वो आप बोलोगे कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है और वो स्टेबलाइजिंग। एक ही पेज पे हम लोग पढ़ लेते हैं स्टेबलाइजिंग, तो स्टेबलाइजिंग। दूसरा देखिए क्या होता है स्टेबलाइजिंग के अलावा, तो आप बोलोगे स्टेबलाइजिंग के अलावा डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल के अलावा बेटा कौन सा होता है, तो आप बोलोगे डिसरप्टिव। अब इनका देखिए कैसा होता है वो स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। तो स्टेबलाइजिंग में आप बोलोगे कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, इधर आपका फ्रीक्वेंसी होगी और इधर आपका जो है फिनोटाइप होगा। ठीक है, ऐसे यहां पर भी हम बना लेंगे फ्रीक्वेंसी, नीचे फिनोटाइप। अब देखिए क्या होगा इस वाले में बेटा, आप स्टेबलाइजिंग में बात करोगे तो यहाँ पर आपका जो इंडिविजुअल है कौन से हैं, ये वाले हैं। तो इधर आओगे तो आप मिनिमम वैल्यू है, इधर आओगे तो आपका मिनिमम वैल्यू, इधर हाईएस्ट वैल्यू, तो आप बोलोगे ये एवरेज वैल्यू है यहाँ पर। तो यहाँ सेलेक्ट कौन हो रहा है, एवरेज वैल्यू सेलेक्ट हो रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर ह्यूमन के केस में आप देखिए बेबी का बर्थ होता है तो ऑन एवरेज जो वेट होता है वही बेबी तो बचता है एवरेज वेट का। और अगर बेबी का वेट मान लो 500 ग्राम है तो उसकी सर्वाइबिलिटी मुश्किल होती है, अगर उसका वेट कोई 8 केजी है तब भी बचेगा नहीं वो तुरंत बर्थ के टाइम। तो एवरेज वाले जो सिलेक्ट होते हैं वो स्टेबलाइजिंग वाला बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्टेबलाइजिंग आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो पीक जो इसकी होती है वो नैरो हो जाती है स्टेबलाइजिंग। अब डायरेक्शनल में देखिए, डायरेक्शनल की कहानी क्या थी, एक टाइम पे एक इंडिविजुअल का डोमिनेंस था लेकिन वक्त बदला, आज उनका वक्त है तो कल दूसरे का वक्त आएगा, तो यहां पर क्या हुआ डायरेक्शनली चेंज हो गया मामला। यहां पर क्या हुआ देखिए, एक टाइम पे दूसरे थे फिर दूसरे आ गए, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब इसमें देखिए पीक जो थी वो पूरी शिफ्ट हो गई थी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एग्जाम्पल ले गो बिस्टन बिटुलेरिया का, कौन सा है बिस्टन बिटुलेरिया, तो बिस्टन बिटुलेरिया जो है वो आप बोलोगे यहां पर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म शो करता है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का मतलब क्या था कि ब्रिटेन वगैरह में एक टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ 1819 के टाइम पे, तो उसकी वजह से जो वहां का एनवायरनमेंट था वो पूरा पॉल्यूशन हो गया, वहां पर जो है पूरा जो लाइकेंस वगैरह थे वो खत्म हो गया। वैसे ही वहां पर मॉथ थे दो, मॉथ मतलब इंसेक्ट टाइप में ऐसे थे मॉथ, दो थे मॉथ। तो एक बेटा कैसे थे आपके, वाइट थे शुरुआत में वाइट थे, और दूसरे कैसे थे ब्लैक थे मॉथ। तो हुआ क्या, जब पॉल्यूशन बढ़ा तो जो ट्री थे वो सारे हो गए ब्लैक, ट्री हो गए ब्लैक। अब उनपे ये मौत बैठेंगे जाके तो दूर से दिखेंगे, तो शिकारी जो थे इनके प्रीडेटर्स जो थे इन्होंने इनको खा दिया, बचे कौन व्हाइट वाले केवल बचे, ये आगे जाके फ्लरिश कर गए। तो इसी को बोला गया बिस्टन बिटुलेरिया। तो यहाँ पे सेलेक्ट कौन हुआ, व्हाइट वाला जो है खत्म हो गया, ब्लैक वाला सेलेक्ट हो गया क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक वाला दिखेगा नहीं आराम से तो बच जाएगा। तो ये आपका बिस्टन बिटुलेरिया का एक एग्जाम्पल होगा। ऐसे ही आपका डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, एक टाइम था हम लोग जो है क्या करते थे क्वाइल लगा देते थे मर जाता था मॉस्किटो, लेकिन अब क्या है अब हम देखो नहीं मार पाते उसको, लिक्विड लगाते हैं तब भी नहीं मरता है, तो उनके अंदर भी कुछ चेंजेस है। ऐसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, एक टाइम था ऐसे ही खत्म हो जाती थी जैसे हम थोड़ा देते थे, आज तुम कितना भी दे दो देखो नहीं, बहुत सारे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो आ गए नेचर में वो नहीं खत्म हो रहे हैं। तो इस तरीके के जो है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल, पूरा शिफ्ट ही कर जाए पीक ही उसका। डिसरप्टिव में देखिए यहाँ पर क्या कहानी थी, डिसरप्टिव में जो एवरेज वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, मिनिमम और हायर वैल्यू दोनों बची रहती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, तो इसमें हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन वो खत्म, वो तो मर जाएगा। जैसे
जो है आपके ब्लैक वो बी बी सेम दिखाएंगे और आप बोलोगे ये वाइट, दो तरीके के रैबिट थे, तो ब्लैक वाले ब्लैक वाली उसमें छिप गए और ये व्हाइट वाले रॉक में छिप गए, लेकिन इनके जो हाइब्रिड थे जो बीज वाले थे ये तो बेचारे इनको छिपने को मिला नहीं, ये मार दिए गए प्रीडेटर्स थे। तो ये बोला था डिसरप्टिव, यानी कि केवल कौन बचा, कैपिटल बी कैपिटल बचा यानी कि डोमिनेटेड बचा या तो रिसेसिव कैरेक्टर बचा, तो इसको हम बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, समझ में आई बात? देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। तो यहां पर आप बोलोगे अगला जो कॉन्सेप्ट था आपका वो कौन सा था, स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड स्पीशिएशन। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड स्पीशिएशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, आप केवल याद रखिए बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इसमें देखिए क्या बोला गया, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इस स्पीसीज कॉन्सेप्ट में बोला गया कि भाई ये स्पीसीज है, कोई स्पीसीज उसको हम बोलते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करें, मतलब आपस में ही रिप्रोडक्शन करें। स्पीसीज ए कभी भी स्पीसीज बी के साथ में मेटिंग नहीं कर पाए, कर भी ले तो इनसे कोई फर्टाइल इंडिविजुअल पैदा ना। ठीक है, तो ये बात बोली गई, तो इंटरब्रीडिंग जो था जो है वो अलग आप देखोगे वो नहीं पाया जाएगा। तो ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे, बाकी ऐसा नहीं होगा कि ये स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों आपस में, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट था उसमें बोला गया कि एनिमल जो सेम स्पीसीज के होते हैं वही आपस में अपोजिट सेक्सुअल इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट वैलिड कॉन्सेप्ट था। बाकी और भी कॉन्सेप्ट दिए गए लेकिन वो इतना ऑथेंटिक नहीं थे, मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड थे। एनाटॉमी देखा, जैसे शेर जो है और बिल्ली एक जैसे दिखते हैं तो पता चला बोल दिया दोनों एक ही है, ऐसा थोड़े होता है। ऐसे बोला गया कि नहीं नहीं जो है आपका लोमड़ी और जो है तुम्हारा क्या नाम है उसका कोई और एनिमल ले लो उसी लेवल का, कुत्ता डॉग सेम है, सेम थोड़े अलग अलग स्पीसीज है तो वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी को बोला गया जो इंटरब्रीड कर सके वो आपका स्पीसीज। अब इसके बाद में स्पीसिएशन पढ़ते हैं हम लोग। स्पीसिएशन जब आप पढ़ोगे स्पीसिएशन, तो स्पीसिएशन जो है बेटा वो देखेंगे हम लोग कितने तरीके का। फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब नई स्पीसीज कितनी है तो दो देखिए आप कौन कौन सी। आप बोलोगे एक तो होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, क्या होगा जियोलॉजिकल आइसोलेशन, तो जियोग्राफिकल में बैरियर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आप बोलोगे ऐसा जियोग्राफिकल जहां पर बैरियर प्रेजेंट नहीं है, तो बैरियर एब्सेंट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप बोलोगे ये दो तरीके का, एक एलोपेट्रिक और दूसरा आपका उसको आप बोलोगे पेरिपेट्रिक। ठीक है, ऐसे आप देखिए जियोग्राफिकल में सिंपेट्रिक और दूसरा आप बोलोगे पैरापेट्रिक। ठीक है, सिंपेट्रिक और पैरापेट्रिक, ये है कहानी आपकी, एलोपेट्रिक और सिंपेट्रिक और पैरापेट्रिक। ठीक है, और पेरिपेट्रिक। चलिए तो इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले एलोपेट्रिक देखते हैं, जो पूछा जाता है एलोपेट्रिक ही पूछा जाता है। एलोपेट्रिक, एलोपेट्रिक में देखिए क्या है कहानी। ये मान लिया हमने शुरुआत में लैंड मास था पूरा, एनिमल रह रहे थे सब साथ साथ, जियोग्राफिकल बैरियर बन गए। अब जब बैरियर बन गए मतलब रिवर माउंटेन बड़े बड़े बन गए, यानी कि अब हुआ क्या, ये अलग हो गए ऐसे। अब अलग हो गए तो जो एनिमल यहाँ रह गए वो यहाँ रह गए, जो यहाँ रह गए यहाँ रह गए, ये बीच में क्या बन गया, बैरियर बन गए।
अब ये ना इधर से इधर जा सकते थे, ना इधर वाले इधर आ सकते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर डिफरेंशियल वेरिएशंस देखने को मिले, सिलेक्शन प्रेशर आया, और जो है उसकी वजह से यहाँ पर दो सब स्पीसीज बननी। तो आप बोलोगे सब स्पीसीज बन गई, इतनी तो आप बोलोगे दो सब स्पीसीज बन गई। अब इसके बाद में देखिए आप यहाँ पर आप बोलोगे एक्यूमुलेशन हुआ डिफरेंट सेट्स ऑफ एडेप्टिव कैरेक्टर्स, क्या हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट सेट्स है ना ऑफ एडेप्टिव कैरेक्टर। तो एडेप्टिव कैरेक्टर जो थे वो सब इकट्ठा होने लगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये दोनों जो यहाँ पर इंडिविजुअल और यहाँ पर नहीं, इनको आपस में आप क्या बोलोगे एलोपेट्रिक स्पीसीज, ठीक है। और ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे नहीं, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि अलग अलग है, ठीक है, इंटरब्रीड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एलोपेट्रिक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है पेरिपेट्रिक, सिंपेट्रिक और जो है आपका पैरापेट्रिक। पेरिपेट्रिक में आप बोलोगे जियोग्राफिकल बैरियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाउंडर पॉपुलेशन का आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, मतलब थोड़ा सा पॉपुलेशन अलग हो गया उनसे और वो जो है नए नए वेरिएशन दिखने लगे और पेट्रिफ जो पेरिपेट्रिक स्पीसीज हो जाएंगी। ऐसे सिंपेट्रिक में आप बोलोगे कि वहां पर कोई बैरियर प्रेजेंट ही नहीं था, केवल म्यूटेशन चेंज कर दिए, जो उनका जो प्लॉयडी लेवल था वो चेंज हो गया। तो इकोलॉजिकल आइसोलेशन में थोड़ा सा कोई पार्ट जो था वो इकोलॉजिकली आइसोलेट हो गया, कोई सब नए इंडिविजुअल बना लिए और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे पैरापेट्रिक में आप बोलोगे है ना पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इंटर्स इन अ न्यू नीच, कोई आपका पॉपुलेशन है स्पीसीज का, उसमें कोई नया नीच जो है उसमें इंटर कर गया कोई इंडिविजुअल। नीच जो होता है वो जो सब मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है ना हमारा, उसको बोलते हैं जहां हम रहते हैं। तो ऐसा हैबिटेट जहां सब पर इंडिविजुअल सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव रहता है उसको हम नीच बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, व्हेन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इंटर्स इन अ न्यू नीच और हैबिटेट देयर इज नो फिजिकल बैरियर बिटवीन दिस पॉपुलेशन, तो उनके बीच में कोई पॉपुलेशन बैरियर होता ही नहीं, फिजिकल बैरियर होता ही नहीं। उसका एग्जाम्पल आप बोलोगे फ्लाइटलेस ग्रॉस हॉपर और स्नेल्स। तो इस तरीके से स्पीशिएशन का मतलब होता है नई नई स्पीशीज का बनना, कैसे बनता है वो सब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि भाई एलोपैट्रिक स्पीशिएशन के थ्रू बन सकता है, पेरिपेट्रिक के थ्रू बन सकता है, सिंपेट्रिक के थ्रू बन सकता है और आपका किसके थ्रू बन सकता है, आप बोलोगे पैरापेट्रिक के थ्रू बन सकता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।